कैसे हो भैया लोग? आप सभी ठीक ठाक है ना? हो एकदम मस्त और बिंदास जीते रहिए। साथ साथ अपनी स्टडी का विशेष ख्याल रखिए। बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आज की क्लास में बात करेंगे रिंग और डिस्क दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, इनके सर्कमफेरेंस के अलोंग किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें जो इनके लिए टेंजेंशियल एक्सिस कहलाएगी, के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस बात को जानने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये दोनों बातें समझेंगे। इससे पहले हम आपको दो बातें बताते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a disk about an axis perpendicular to its plane passing through its center of mass is equal to कितना? आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। हाफ एम आर स्क्वायर ये हमने कराया है। यही बातें अगर आपके लिए रिंग से करी जाए तो आप क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू कितना? एम आर स्क्वायर। दोनों ही केसेस में एम मास हुआ करती थी और आर इनका रेडियस। ये बातें आपको यहां कॉन्सेप्ट्स सीखने में मदद करेंगी। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझिए। एक थ्री यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग बना रहे हैं। ये लीजिए एक समान वृत्ताकार लें। यूनिफॉर्म मास लोग जानते हैं एंड रेडियस
और लिंग के रिगार्डिंग ध्यान रखें, इसका सेंटर जहां सेंटर ऑफ मास लगेगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करेगी। कैसे पास करेगी? दीजिए तो इधर ऐसे पास करेगी और कैसे पास करेगी? ये लीजिए, इसका नाम रख दीजिए वाइट वायरस। रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर या एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, ये वाले इनके रेडियस और ये चीज इसका पड़े थी जिसका एक पॉइंट इस पे टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ किया, ये वाला इसे एक्सिस बना दीजिए टी एंड टी एस। देखिए यहां टेंजेंट और रेडियस, यहां 90 डिग्री बना लेती है, ये वाली एक्सिस और ये रेडियस 90 डिग्री बना लेती है, मतलब ये दोनों एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे ऐड करके। इसका मतलब ये है अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है, ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री हो जाने पे ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो जाएंगे। इट मींस दैट एक्सिस टी टी डैश एक्सिस वाई वाई डैश पैरेलल होते हैं। जब पैरेलल हो जाएगा तो सोचिए आप क्या यूज करिएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट किसी वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सेंटर से पास होने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके द्रव्यमान एवं समांतर अक्षों, एक जो सेंटर से पास करेगी हो दूसरा जो एक्सिस गिवन होगा ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के गुणनफल के योगफल के बराबर होगा। पूरी बात आप यहां समझिए, सेंटर से एक्सिस वाई वाई डैश पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का एम आर स्क्वायर होता है।
हे भैया लोग, ये पुराने कवच में किए हैं हम। इस रिब का मांस क्या टैलेंट है, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है जिनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। देन आपको क्या कहा जा रहा है, रिंग का मास कैपिटल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर, इनका स्क्वायर और दोनों के बीच मल्टीपल, साथ में इनके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी जो एमआर स्क्वायर है, के योगफल टेंजेंशियल एक्सिस टी टी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बस समझ में आई आपको, ये देखिए एक छोटा सा बात है इसमें, ये जो बातें आपने करा है ये वाली कहां से लेके आया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ध्यान रहेगी ये छोटी सी कहानी। बढ़ते हैं डिस्क की ओर, ये एक सर्कुलर डिस्क हमने माना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास जहां सेंटर भी होगा जहां से डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस गुजरेगी, ये देखिए ये ऐसे गुजर जाएगी,
इसका नाम कर लीजिए y और y डैश। ये वाले इनके रेडियस r मास को m है। एक पॉइंट सर्कमफेरेंस परिधि के रास्ते जहां से एक टेंजेंट लाइन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर गुजरेगी। ये इसके लिए क्या होगा? एक टेंजेंशियल एक्सिस होगा। इसके अबाउट इनका रोटेशन होने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है वाई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या जानते हैं? आई सी इक्वल्स हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का मास एम है। ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है जो टेंजेंशियल एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है के स्क्वायर में डिस्क के मास को मल्टीप्लाई कर दी जाए और आईसी का मान आपस में ऐड करी जाए तो टेंजेंट एक्सिस टी टी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का मिल जाएगा आपको टेंजेंशियल एक्सिस टी टी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवं रिंग के मास और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आईसी में ऐड हो जाए तो टेंजेंशियल एक्सिस टी टी डैश के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आईसी हाफ एम आर स्क्वायर है प्लस एम आर स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। टेंजेंट लाइन जो टेंजेंशियल एक्सिस है के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर मिल रहा है। टेंजेंशियल एक्सिस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दो बातें आपने जाना
एक्सियल अबाउट टेंजेंट लाइन टी टी डैश ऑफ हेलिक्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर. यहाँ दोनों ही केस में आपने क्या यूज किया है थ्योरम ऑफ एंगल एक्सिस. ध्यान रखें कितना इंपॉर्टेंट यह थ्योरम है जिससे आप ये सब प्रॉब्लम आसानी से कर पाते हैं और कर पाएंगे. यही वाले का फेवरेट टॉपिक्स है. थैंक यू सो मच.